Yeah, good morning class. Welcome next lecture of financial markets. ठीक है, इस lecture में I would like you to read ये आपकी book में page 452 पे एक application है why exchange rates so volatile. ठीक है, आपने कभी सोचा है exchange rates इतने volatile क्यों होते हैं? Volatile का मतलब है कि इतनी तेजी से change क्यों होते हैं? ठीक है, अगर आप dollar versus rupee को ले लें आज कल, you can see that कि हमारा जो rupee है it is very volatile. डॉलर ठीक है, डिक्रीज होता है फिर एकदम से इंक्रीज कर जाता है, फिर डिक्रीज कर जाता है. इसमें रुपी में जो चेंजेस है बहुत तेज़ी से हो रहा है. ठीक है, तो इसी चीज़ को वॉलेटाइल. इफ अ वैल्यू चेंजेस अब्रप्टली, ठीक है, यानी कि वैल्यू चेंजेस सडनली, वी कैन से के इस चीज़ की वैल्यू है वॉलेटाइल. ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड एप्लीकेशन. ठीक है, मैं आपके साथ रीड करता हूँ एंड वी जस्ट डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, तो द एप्लीकेशन सेज व्हाई आर एक्सचेंज रेट्स सो वोलेटाइल. द हाई वोलेटिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सरप्राइज मेनी पीपल. 30 और सो इयर्स अगो इकोनॉमिस्ट जनरली बिलीव दैट अलाउंग एक्सचेंज रेट्स टू बी डिटरमाइंड इन द फ्री मार्केट वुड नॉट लीड टू लार्ज फ्लक्चुएशंस इन द वर्ल्ड. ए रीसेंट एक्सपीरियंस हैज प्रूव्ड देम रॉन्ग. द एसेट मार्केट अप्रोच टू एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन that we have outlined in this chapter, we have the straightforward explanation of volatile exchange rates because expected appreciation of the domestic currency affects expected return on foreign deposits, expectations about price level, inflation, trade various productivity, import demand, export demand and money supply play an important role in determining exchange rate. When expectations about any of these variables change as they do often at that, our model indicates that there will be an immediate effect on the expected return on foreign deposits, therefore on the exchange rate. Because expectations on all these variables change with just about every bit of news that appears, it is not surprising that exchange rate is volatile. ठीक है, तो वो basically बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ है जो expectation about price level, inflation, trade value, productivity या export या import demand को change करती है, so that leads to a change in it. Says that in addition, we have seen that our exchange rate analysis produces exchange rate overshooting when the money supply increases. Exchange rate overshooting is an additional reason for the high volatility. So, तो कह रहा था, तो कहते हैं exchange rate की volatility का एक reason तो is expected या expectations. ठीक है, एक reason तो उसकी volatility का expectations है. ठीक है, our expectations for price levels, inflation, trade barriers, productivity. और जो दूसरा फैक्टर है दैट इज मनी सप्लाई. ठीक है, तो दूसरा फैक्टर बेसिकली इज ठीक है, तो मनी सप्लाई दूसरा फैक्टर हो गया और पहला फैक्टर हमारे पास क्या था, एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस लेवल इन्फ्लेशन. बिकॉज अर्ली मॉडल एक्सचेंज रेट बिहेवियर फोकस्ड ऑन गुड्स गुड्स मार्केट्स रादर देन एसेट मार्केट्स, दे डिड नॉट एम्फसाइज चेंजिंग एक्सपेक्टेशन एज अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. सो दीस अर्ली मॉडल्स कुड नॉट प्रेडिक्ट सब्सटेंशियल फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स. द फेलियर ऑफ अर्ली मॉडल्स टू एक्सप्लेन वोलेटिलिटी इज वन रीजन व्हाई दे आर नो लॉन्गर सो पॉपुलर. The more modern approach developed here emphasizes that the foreign exchange market is like any other asset market in which expectations about the future but the foreign exchange market like other asset markets such as the stock market displays substantial price volatility and foreign exchange rates are notoriously hard to forecast. ठीक है, तो ये फाइनल पैरामीटर में बात करेंगे तो पुराने मॉडल्स से. ठीक है, देवर मेनली बेस्ड ऑन गुड्स मार्केट्स. ठीक है, रादर देन एसेट मार्केट्स. सो बिकॉज ऑफ दैट दे डिड नॉट एम्फसाइज चेंजिंग एक्सपेक्टेशन.
एप्लीकेशन एज अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज रेट मॉडल्स। पुराने जो मॉडल्स आते हैं इसमें फॉरन एक्सचेंज में, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन मार्केट कोड्स, कोड्स के ऊपर बेस्ड हैं रादर दैन एसेट मार्केट्स। बेसिकली दो तरह की मार्केट्स हैं, होती हैं एसेट मार्केट्स हैं और एक गुड्स मार्केट्स। एसेट मार्केट से गुड्स मार्केट में काफ़ी फर्क है। गुड्स की जो हम बात करते हैं वी आर मेनली कंसर्न्ड विद गुड्स, एसेट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, एसेट इज समथिंग तो नई एसेट अप्रोच है जो हमने पढ़ी है अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, वो यही कहती है कि द मॉडर्न अप्रोच, यानी कि जो नई एसेट अप्रोच है या एसेट मार्केट अप्रोच है, सो द न्यू एसेट मार्केट अप्रोच डेवलप्ड हियर एम्फसाइज़ दैट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज लाइक एनी अदर एसेट मार्केट इन विच एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर मैटर। आपने अगर फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लगाया हुआ तो यू शुड रियलाइज के फॉरन एक्सचेंज मार्केट इट बिहेव्स लाइक एनी अदर एसेट मार्केट, इट डिपेंड्स अ लॉट अबाउट एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, सो आई विल आल्सो लीड एप्लीकेशन द नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर यू टू स्टडी। ठीक है, डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे डिस्कस टाइमिंग, आई जस्ट वांट यू